दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले में गैंगवॉर की घटना सामने आई है, जिसमें एक नामी बदमाश की मौत हो गई है। गांव नचोली में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने रॉकी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। रॉकी 2 लाख के इनामी बदमाश कुलभूषण का छोटा भाई था। हाल ही में क्राइम ब्रांच ने कुलभूषण को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बता दें कि फरवरी में हुई अन्ना हत्याकांड का कुलभूषण मुख्य आरोपित है। इसके बाद रॉकी के पिता ज्ञानचंद ने अन्नी के भाई बिन्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक कार और 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर बदमाशों ने रॉकी पर 8 से 10 गोलियां चलाई। इनमें से 3 गोलियां रॉकी को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रॉकी के पिता ज्ञानचंद ने बताया कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। जैसे कि जानकारी के अनुसार पता चला कि रात को तकरीबन 9 बजे की ये घटना है। ट्रांसपोर्ट का ये लड़का काम करता था और ये अपने ऑफिस पे गया ऑफिस को लॉक करने के लिए, तो वहाँ पहले ही से ही घात लगा के बैठे या मतलब दरवाजे तक ही पहुँचा, इतनी इस पर वारदात कर दी गई है और इसको 15-20 गोलियाँ जो है लगी हैं। तो वहीं कुछ पता चला कि कौन थे लोग, काम करते थे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी पुलिस भी जान अपनी जान पे कर ले रही है सब चीजें। तो वही भोपानी के सब इंस्पेक्टर ज्ञान मोहम्मद का कहना है कि ये मर्डर बदले की भावना से किया गया है। गत 1 फरवरी को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। 2 गाड़ियां थी, धमकी भी दे गए थे आदमी से, तो गाड़ियों में भागते हुए अगर किसी ने भी गवाही दी तो सारे का पूरा परिवार नष्ट कर दिया। ये कल रात को करीब कोई 10 बजे की बात है कि ये जो है ना रोकी था, ये जो है ना अपने ट्रांसपोर्टर पे गया, दुकान थी इसकी, ट्रांसपोर्ट का काम करता था, गया तभी जो है ना एक चुटिया ताजुपुर और एक भैंसरावली का लड़का जो है ना गैंगवार है और भाई ने मुकदमा दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है।